Hi students, many of the students have requested that internal exam is going to happen. So some important questions are being given here in this video. तो आप इन questions को prepare कर लो तो आपका internal exam बहुत आसानी से निकल जाएगा, right? ये core paper 2 का है और इस session के लिए है. साथ ही साथ किसी भी ग्रुप से अगर आप पूरी तैयारी कर लेते हो तो आप आसानी से पास कर जाओगे. एंड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए आप सेमेस्टर 1 के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी बनाया है, उस पर बना हुआ वीडियो है, तो आप उसे देख सकते हैं. आइए हम लोग देखते हैं कि आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं. कोर कोर्स पेपर 2 में आप देखेंगे फर्स्ट यूनिट का डिस्कस द इलियड एज एन एपिक. इलियड को एज एन एपिक आपको डिस्कस करना है और राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ अखिलेस और एगामेमनन और व्हाट वाज द रीजन ऑफ ट्रोजन वॉर. ये तीनों क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो चूंकि 10 मार्क्स का ही आपका एग्जाम होता है इंटरनल, तो 5 मार्क्स और उससे कुछ ज्यादा का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप शॉर्ट में ही इनको लिख सकते हैं. नेक्स्ट यूनिट से अगर आपको तैयार करना है तो आप तैयार कर सकते हैं डिस्कस गोदान एज ए मास्टरपीस ऑफ प्रेमचंद, ठीक है, या डिस्कस गोदान एज अ ट्रू अकाउंट ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स. कैसे गोदान में भारतीय समाज को दिखाया गया है, कैसे किसानों की समस्याओं को दिखाया गया, या डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ होरी और धनिया. कभी भी आपके लिए जो कैरेक्टर स्केच होगा बहुत आसान होता है, आप उसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं, राइट. नाउ फॉर यूनिट 3, राइट द समरी ऑफ द शॉर्ट स्टोरी अ पीस ऑफ स्ट्रिंग और बॉले द सूफ और एक्सप्लेन जी डी मोपासां एज अ ग्रेट फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर. दोनों में से आप कोई भी तैयार कर सकते हैं. यूनिट 4 में एक ड्रामा है चेयर्स, सो डिस्कस चेयर्स एज एन एब्सर्ड ड्रामा, ठीक है, एक एब्सर्ड ड्रामा के रूप में आप इसको डिस्कस कर लीजिए. और डिस्कस द रोल ऑफ द ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमन इन द ड्रामा चेयर्स. चेयर्स नामक ड्रामा में ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन का क्या रोल है, इसको आपको बताना है. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर इंटरनल एग्जाम डियर स्टूडेंट्स. सो प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस. यू कैन सी ऑल दीज क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 1 प्लेलिस्ट. ओके, so thanks for watching, keep watching, like, share and subscribe, also comment. Thanks a lot for watching, have a good day, bye bye.